मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आज का संपूर्ण पंचांग लेके। ये संपूर्ण पंचांग है गुरुवार यानी कि 26 मार्च 2020 का। पंचांग मुख्यतः पांच चीजों पे आधारित होता है। वो पांच चीजें हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इन पांचों को मिलाकर ही पंचांग बनता है। पंचांग की आवश्यकता पड़ती है कुछ नया कार्य आरंभ कर रहे हैं तो, या कुछ भी कार्य करते हैं उसके लिए मुहूर्त देखने के लिए, आज की तिथि जानने के लिए, सब कुछ व्रत त्यौहार जानने के लिए, सब कुछ पंचांग से ही आपको मिल पाता है। तो आइए जानते हैं गुरुवार यानी कि 26 मार्च 2020 का संपूर्ण पंचांग। सबसे पहले जिन मित्रों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करें। जिन लोगों का आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माँ पार्वती आपकी जोड़ी हमेशा के लिए इसी तरह सलामत रखे। और जो कोई भी व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं उन सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। तो आइए जानते हैं गुरुवार 26 मार्च 2020 का संपूर्ण पंचांग। सबसे पहले आइए जानते हैं तिथि और नक्षत्र के बारे में। आज है विक्रम संवत 2077, माह चैत, पक्ष शुक्ल, तिथि द्वितीया, जो कि आज दिन के 5:53 तक रहेगा। उसके बाद तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र आज रहने वाला अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र आज पूरे दिन पूरी रात रहने वाला है। दिशाशूल आज है दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में किसी खास प्रयोजन से यात्रा आज ना करें। यात्रा करने से वैसे भी आज कल आपको बचना चाहिए क्योंकि सरकार ने भी हर जगह पाबंदियाँ लगा रखी हैं, और उसमें भी दक्षिण दिशा में तो बिल्कुल बचना चाहिए, यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। योग रहने वाला आज इंद्र। इंद्र योग आज दिन के 4:28 तक रहेगा। उसके बाद वैघ्रित योग आरंभ हो जाएगा। व्रत त्यौहार में आ जाए नवरात्रि की दूसरी पूजा। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाएगी। आज श्री झूलेलाल जयंती भी है। मित्रों आइए अब जानते हैं सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति। सूर्योदय आज होने वाला है सुबह के 6:17 पर और सूर्यास्त होने वाला है शाम के 6:36 पर। चंद्रोदय होगा आज सुबह के 7:30 पर और चंद्रयास्त होगा रात के 8:18 पर। आज की चौघड़िया पे एक नज़र डालते हैं। आज का शुभ समय रहने वाला है सुबह के 6:17 से लेकर सुबह के 7:50 तक। जड़ समय आज का रहेगा दिन के 10:54 से लेकर 12:26 तक। लाभ समय रहने वाला आज दिन के 12:26 से लेकर दोपहर के 1:59 तक। अमृत समय आज रहने वाला है दोपहर के 1:59 से लेकर दोपहर के 3:31 तक। आइए अब जानते हैं आज का राहु काल और गुलिक काल। आज का राहु काल रहने वाला है दिन के 1:59 से लेकर दोपहर के 3:31 तक। इस समय में कुछ भी नया कार्य करने से बचें। गुलिक काल आज का रहने वाला है दिन के 9:22 से लेकर 10:54 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त ये रहने वाला दिन के 12:02 से लेकर 12:51 तक। इस समय में भी कोई भी नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, सफलता हाथ लगती है। दुष्ट मुहूर्त आज रहने वाला है दिन के 10:23 से लेकर 11:13 तक। इस समय में भी कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। तो मित्रों यहाँ पे मैंने आपको आज का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग के बारे में बताया। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो और राशिफल के वीडियो, पंचांग के वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। जय माता दी।